हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नवंबर महीना कैसा गुजरने वाला है 2024 का। सो प्लीज़ पेशेंस रखें एंड देख लेते हैं। अगर आपकी राशि एक्यूरियस हैं, यानी कि कुंभ राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एकदम से जनरल रीडिंग है, तो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी आपका अक्टूबर महीना कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। आज का रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। फर्स्ट मैं यहाँ पर आपके करियर की साइड से कार्ड लेने वाली हूँ। यहाँ पर हैं द मजिशियन। तो नवंबर महीने के लिए करियर की साइड से द मजिशियन आया है एंड यहाँ पर हैं सिक्स ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पुराना कोई जॉब आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, मतलब कि जिस ऑफर को आपने पिछले टाइम में गवा दिया है, किसी भी वजह से हो सकता है आपसे छूट गया था, आपने उस अपॉर्चुनिटी को ना काम में नहीं लगा पाए थे, तो फिर से वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफर आपकी लाइफ में दोबारा एग्जिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है नवंबर महीने में। करियर की साइड से दिख रही हैं एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही हैं कि अगर आप पास्ट में अच्छा रिजल्ट किए करते थे, अगर पास्ट में आपका प्रमोशन ज़्यादा हुआ करता था, अगर पास्ट में आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है ना वो अच्छा खासा था एंड अभी नहीं है, या फिर उतना अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पा रहे हो करियर के साइड से, तो दिख रही हैं वो सिचुएशन फिर से क्रिएट होने वाला है। फिर से आपके करियर में चार चांद लगती हुई दिख रही हैं, अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं नवंबर महीने में। कहीं ना कहीं पुराना सिचुएशंस फिर से क्रिएट होने की एक संभावना दिख रही है, बन रही हैं। ओके, एंड साथ में और एक चीज़ दिख रही हैं कि पिछले टाइम में अगर कुछ सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल में नहीं था तो अब रहेगा। इस टाइम पर सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं, आप चीज़ों को खुद डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, खुद हैंडल करते हुए दिख रहे हो, खुद के दिमाग से चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। तो ये जो अपॉर्चुनिटी होगा ना, ये बहुत ज़्यादा बेमिसाल कुछ दिख रही है मुझे आपके करियर की साइड से। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप बहुत पहले ब्राइट स्टूडेंट हुआ करते थे एंड कुछ दिनों से, हो सकता है कुछ सालों से, हो सकता है आपका मार्क्स अच्छा खासा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में दिख रही है नवंबर महीने में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा होने वाला है। जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आप पास होते हुए दिख रहे हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। यहाँ पर एक सक्सेस, एक अचीवमेंट दिख रही है आपके करियर के साइड से ओवरऑल। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वो चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट, नो मैटर, ओवरऑल लाइफ आपको एक मौका फिर से देने वाले हैं एंड साथ में बहुत सारे ऑफर अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रहे हैं, जीत के साथ, विक्ट्री के साथ। देख लेते हैं लव लाइफ के साइड से नवंबर महीने का क्या कार्ड आ रहा है। यहाँ पर हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि और एक ले लेते हैं द हैंग्ड मैन। लव लाइफ के साइड से नवंबर महीना मुझे कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, किसी को प्यार करते हो, कोई स्ट्रॉन्ग क्रश है आपका, तो ऐसे में मैं कहूँगी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ना कंसर्स होना पड़ेगा उस इंसान को लेकर, और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा आपको। इस टाइम पर चौंकना रहना है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में घुस सकता है। आपके जो ऑपोजिट के पर्सन हैं वो किसी और को पसंद कर सकते हैं, इस टाइम पर किसी और के बारे में सोच सकते हैं, किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं आपसे, आपके अलावा भी, तो इस चीज़ का चांसेस बन रही हैं। एंड ऐसे में कुछ ब्लॉकेजिंग सिचुएशन क्रिएट होना, बातचीत बंद होना टेम्परेली, ये सब भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर महीने में। यहाँ पर आप देख ही सकते हो थर्ड पार्टी की वजह से हैंगमैन का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, हैंग्ड आउट वाला सिचुएशन। तो डिप्रेशन, टेंशन यहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी। सो लव लाइफ के मामले में नवंबर महीने का कुछ अच्छा चीज़ नहीं दिख रही है, बट आप चीज़ों को रोक सकते हो क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है, फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो अगर आप इस टाइम पर अपने पर्सन के साथ अच्छे बिहेवियर शो करते हो, अच्छी तरीके से प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, जितना हो सके अपना 100% आपको इस टाइम पर देना है, मतलब कि एफर्ट इस टाइम पर लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है।
देख लेते हैं, अगर आपका कोई हॉबी है तो उस साइड से यहाँ पर है द स्टार, फाइन। प्रोफेशनल फ्रंट से तो मैंने देखा यहाँ पर आपकी जो करियर है उसमें तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, एंड साथ में आपके हॉबी अगर कुछ हैं जैसे कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हो, पेंटिंग कर लेते हो, तो उसमें यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, बहुत अनएक्सपेक्टेड सक्सेस दिख रही है। या फिर अगर आप एक जॉब करते हो बट उसके अलावा भी आप टाइम निकाल कर खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, या फिर यूट्यूब में कुछ काम करते हो, आपका साइड जो बिजनेस है, आपका जो हॉबी है ना, उसमें एक बिग अचीवमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में, आपका कोई एक विश पूरा होने वाला है। ओके, सो ये चीज़ दिख रहा है मुझे। एंड हेल्थ के साइड से चेक कर लेते हैं द वर्ल्ड, ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, हेल्थ बढ़िया रहने वाला है। नवंबर महीने में आपका हेल्थ के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर अभी वर्तमान में आपके हेल्थ में आप कुछ इशू दिक्कतें महसूस कर रहे हो तो नवंबर महीने में आप आउटिंग में जाने वाले हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, जो जगह है ना, जो सिचुएशन है, आप जहाँ पर रहते हो, जो एनवायरमेंट है, उसको चेंज करते ही यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके अंदर से सारा थकान मिट जाएगा, तो प्रॉब्लम चल रहा था आपके हेल्थ में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल हेल्थ के साइड से नवंबर महीना बहुत गुड दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं, एंड एक ट्रैवल की योग भी दिख रही हैं। ओके, एंड देख लेते हैं आपके फैमिली के साइड से कार्ड। ओके, द हाई प्रिस्टेस, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फैमिली के लोग आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल एक इंसान मानने वाले हैं, आपको रेस्पेक्ट करने वाले हैं, आपके बातों का इस टाइम पर वैल्यू देंगे वो लोग आपको। इस टाइम पर क्या है कि थोड़ा बहुत ना साइलेंटली काम करना है, एंड आप यहाँ पर साइलेंटली काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में एकदम से सिंसियरली काम करते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ ही बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। एंड साथ में दिख रही है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है, एंड इस चीज़ को आपके फैमिली सपोर्ट भी करने वाले हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरोटर हो, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर साधना में लीन रहते हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर सपोर्ट दिख रही है आपके फैमिली का। ओवरऑल अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो ऐसे में भी आपका फैमिली का सपोर्ट आपके ऊपर बना हुआ दिख रहा है मुझे। फैमिली में इस टाइम पर सुख शांति विराजती हुई दिख रही हैं, एकदम से शांतिपूर्ण एक सिचुएशन बना रहेगा आपके घर में। आपके लिए एक स्पेशल कार्ड देख लेते हैं नवंबर महीने के लिए, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, सो स्पेशल कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अबंडेंस आ रहा है नवंबर महीने में आपके पास। सो देखो मैंने ये चीज़ ना आपको पहले ही बता दिया है, तो रेडी हो जाओ बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, एकदम से अचीव करने के लिए, फाइन। सो बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ का डील भी हो सकता है नवंबर महीने में आपको करना पड़े, विदेश यात्रा हो सकता है कुछ लोग करने वाले हैं, या फिर आउट ऑफ स्टेट, घर से थोड़ा सा दूर कहीं पर घूमने जाना, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। तो ओवरऑल ब्लेसिंग्स बन रही हैं आपके सर के ऊपर डिवाइन की तरफ से, सो नॉट टू वरी। कुछ काम का, एफर्ट का रिजल्ट्स भी आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोटस दिख रहा होगा, तो मन में ओवरऑल शांति रहेगा, आपके काम की तरफ से अबंडेंस आ रही है, तो ओवरऑल आप खुश रहोगे, सिवाय यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रही है लव लाइफ में, मतलब कि लव लाइफ के साइड से छोड़कर बाकी ओवरऑल हेल्थ के मामले में, फैमिली के साइड से, करियर के साइड से, हॉबी के साइड से, ओवरऑल एकदम से बिंदास रहते हुए दिख रहे हो आप, सो नॉट टू वरी। ओके, और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ विशेस आप बहुत टाइम से डिवाइन से जस्ट मांगते आ रहे हो, फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है इस चीज़ के बारे में मैंने एक शॉर्ट में बताया है एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स में, तो आप जाकर विजिट कर सकते हो, मैं हाल फिलहाल ही में ही ये वीडियो डाला है। सो थैंक यू एक्वेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।